नमस्कार, मैं हूं शुभी जैन और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। आज हम आपको दुनिया के डायनामाइट जैसा खतरनाक विस्फोट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, जिसे मौत का सौदागर भी कहा गया है, और इनकी याद में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। पहले आप जान लें कि आखिर नोबेल प्राइज है क्या। हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन ने स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 में शुरू किया। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। नोबेल प्राइज के तौर पर विजेताओं को एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और $1.2 मिलियन की राशि दी जाती है। नोबेल फाउंडेशन इस राशि को घटा बढ़ा भी देता है। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कौन है और आखिर उनकी याद में ही क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के एक स्वीडिश कामगार परिवार में हुआ था। उनके पिता इमैनुअल पुल निर्माण का काम करते थे। अल्फ्रेड के जन्म के बाद स्वीडन में काम की कमी होने पर अल्फ्रेड परिवार के साथ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए थे। अब अल्फ्रेड नोबेल का सफर शुरू हो चुका था। 5 भाषाओं को बिंदास तरीके से बोलने वाले अल्फ्रेड 17 साल की उम्र में यानी साल 1850 में पेरिस पहुंचे। फिर सफरनामा उन्हें इटली, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ले गया, जहां रह रहकर कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा। लेबोरेटरीज में काम किया और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, लेकिन सबसे ज्यादा नाम और पैसा अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। और इस आविष्कार ने नोबेल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोग इतिहास में उन्हें मौत के सौदागर के नाम से जानेंगे। दरअसल 1888 में अल्फ्रेड के भाई लुडविक की मृत्यु हो गई और एक अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल की मौत की खबर छाप दी। अखबार ने लिखा था, मौत के सौदागर की मृत्यु। अखबार ने डायनामाइट के आविष्कार की आलोचना की और उसे हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अल्फ्रेड नोबेल को अपनी मृत्यु का समाचार पढ़कर गहरा सदमा लगा और अल्फ्रेड ने सोचा कि क्या उनकी मौत के बाद दुनिया उन्हें इसी नाम से पुकारेगी, मौत का सौदागर। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत लिखी, जिसमें अल्फ्रेड ने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। उनकी इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए और जिन्होंने दुनिया को खुशहाल और शांतिमय बनाने में योगदान दिया है। और फिर 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जिया हैरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया। ये पुरस्कार केवल जीवित लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले 1931 में एरिक एक्सल कालफेल्ड को साहित्य के लिए, फिर 30 साल बाद 1961 में डाग हामरशोल्ड को शांति पुरस्कार दिया गया। इन दोनों की मौत नामांकन और पुरस्कार दिए जाने के बीच हुई। तीसरी बार 1974 में फिर ऐसा हुआ तो उसके बाद से नियम ही बदल दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि नामांकन होने के बाद निधन होता है तो पुरस्कार जरूर दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें नोबेल पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किया गया है। अमेरिका के जॉन वार्डन को 2 बार भौतिकी के लिए पुरस्कार मिला। के जॉन को पहली बार 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और दूसरी बार 1972 में सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी के लिए, और केमिस्ट्री में 2 बार पुरस्कार ब्रिटेन के फ्रेडरिक सेगर को मिला, और पहली बार 1958 में इंसुलिन की संरचना को समझने के लिए और दूसरी बार 1980 में मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 में रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए फिजिक्स में और 1911 में पोलोनियम और रेडियम की खोज करने के लिए केमिस्ट्री में नोबेल मिला। अब बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था।
रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था और चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सन 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल भौतिक शास्त्री थे। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आर के पचौरी राजेंद्र को सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल मिला था। महात्मा गांधी को आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्हें यह पुरस्कार न दिया जाना पुरस्कारों के इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। हालांकि महात्मा गांधी 5 बार इसके लिए नामित किए जा चुके हैं। और सबसे कम उम्र में नोबेल हासिल करने का गौरव पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के पास है। उन्हें 17 साल की उम्र में साल 2014 में ये प्राइज दिया गया था। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है जर्मनी, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर भी आता है। सभी कैटेगरी में अब तक 49 बार ऐसे मौके आए हैं जब नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। मसलन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं दिया गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी क्षेत्र में योग्य व्यक्ति ही नहीं मिला जिसे ये प्राइज दिया जा सके। इसी तरह हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थी नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। नमस्कार।